सबसे पहले आप ड्रेस के नीचे कोई भी इस तरीके की कार्डबोर्ड रख सकते हैं या फिर आप आर्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप पतली टाइप के कपड़ों के ऊपर पेंट करना चाहते हैं ना तो इस तरीके का फ्रेम का ज़रूर यूज़ करें तो बैक साइड पे कलर नहीं आएगी और सबसे पहले पेंसिल से इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं आउटलाइन बना सकते हैं एकदम तो लाइट करके आउटलाइन करें मैं भी बहुत लाइट करके कर रही हूँ बट बहुत ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ बस थोड़ी सी Uh, कर लिया है आप चाहे तो पूरी की पूरी आउटलाइन पेंसिल से पहले कर सकते हैं उसके बाद कलर कर सकते हैं तो कलर के लिए यहाँ मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ सारे कलर मैं यहाँ एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक्रिल तो की आप कोई भी ब्रांड के आपके पसंद के यूज़ कर सकते हैं और एक्रेलिक फैब्रिक कोई भी कलर आप यूज़ करें फैब्रिक कलर कपड़ों के ऊपर थोड़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और एक्रेलिक कलर भी अच्छे होते हैं बट ये स्पेशली अब जब क्राफ्ट के कोई आइटम करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा ये अच्छे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है आप इसको ड्रेस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते ऐसा नहीं या देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ और ये सारे ड्रेस मैं घर पे पहनती हूँ कुछ भी नहीं होती है और मैं यहाँ दो नंबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ये कलर अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है लाइट ग्रीन कलर बहुत खूबसूरत है आप देखेंगे जब लाइट के पास थोड़ी सी डार्क कलर हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है और ये ड्रेस के ऊपर ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसके साइड साथ पे आप देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है मैं यह टाकवाइज़ ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये शेड टाकवाइज़ ब्लू कलर अब अभी एकदम हल्के हाथ से आप ज़ीरो नंबर का राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यह कर रही हूँ बहुत पतली पतली इस तरीके की लाइन बनानी है आपको देखिए आप चाहे तो आप दो नंबर का राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मुझे ज़ीरो नंबर राउंड ब्रश में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली हो रही है इसलिए तो देखिए आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा टफ है बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एकदम हल्का हल्का इस तरीके की काम है ना तो टाइम थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी आपको बट आसान तो बहुत ही है इसको आप दोपट्टा के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई लॉन्ग गाउन के ऊपर भी ज़रूर ट्राई करें आपको अच्छा लगेगा मैं यहाँ एक प्लेन टॉप के ऊपर ट्राई कर रही हूँ इसको अभी जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सैप ग्रीन कलर मैं यहाँ बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ जैसे सैप ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर और टकवाइज ब्लू और स्काई ब्लू तो पहले मैंने यूज़ किया है देखिए इस तरीके से करिए आप चाहे तो ये सारे की सारी पहले पेंसिल से मार्क करके कर सकते हैं तो अब देखिए ये थोड़ी ड्राई होने के बाद अब साइड पे इस तरीके से मैं थोड़ी डार्क कलर कर रही हूँ सेम कलर टाकवा ब्लू कलर बहुत ध्यान से करें ये जब देंगे ना तो कितना अच्छा लग रहा है ना आप इसको कोई भी ड्रेस के ऊपर ज़रूर ट्राई करना कोई भी प्लेन ड्रेस के ऊपर और अब मैं यहाँ लेमन योलो कलर यूज़ कर रही हूँ तो देखिए इस तरीके की साइड पे होगा आप चाहे तो मैंने यहाँ थोड़ी बड़ी साइज़ की पीकॉक फेदर को बनाई है बट आप इसको छोटी साइज़ भी बना सकते हैं तो यहाँ मैंने लाइट ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ तो आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइट ग्रीन यूज़ कलर करने के बाद और ये जो मेरी ड्रेस की कलर है इसके ऊपर ऑलमोस्ट सारे कलर अच्छे लगेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइट ग्रीन कलर को यूज़ करने के बाद और इसको आप पेंट करने के बाद 24 फ़ोर आवर्स के लिए इस तरीके से रख दीजिए कुछ मत करें उसके बाद 24 फ़ोर आवर्स के बाद इसके बैक साइड पे एक बार प्रेस कर लेना तो यह देखिए एक तो हमारी हो गई है अब मैं इस साइड पे बनाऊंगी सेम पहले पेंसिल से मार्क करूंगी उसके बाद करूंगी उसके बाद ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद आप इसको बैक साइड पे एक बार प्रेस कर लेना और सेवेंटी टू आवर्स के बाद आप इसको वॉश भी कर सकते हैं बट सबसे अच्छा है कि आप एक हफ्ते के लिए इसको रख दीजिए उसके बाद ही इसको वॉश करें और हमेशा इसको हाथ से ही वॉश करें कोई भी डिटर्जेंट कोई भी माइल डिटर्जेंट या फिर इजी शैम्पू के साथ भी आप इसको वॉश कर सकते हैं हाथ से करें कभी भी मशीन के अंदर इसको मत दीजिए ये भी मैं बट कलर कॉम्बिनेशन ये अंदर की थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है जैसे मैं यहाँ टाकवाइज ब्लू के साइड में ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ अब स्काई ब्लू के पास साइड पे मैं यहाँ लेमन येलो कलर यूज़ कर रही हूँ और यह सैप ग्रीन कलर अभी तो बाकी के सारे सेम ही होगा আর তোমরা বাঙালি হলে অবশ্যই বাংলাতে কমেন্ট করো কি জানতে চাও বলতে পারো আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমাদের বাংলাতেই দেবো আর যদি বাংলাতে আমার ব্লগের চ্যানেল দেখতে চাও তো লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে আছে অবশ্যই দেখতে পারো ভালো লাগবে আশা করছি তো तरीके से তারিখে সে হালকে হাত সে लेना है बहुत जल्दी जल्दी अगर करेंगे ना तो ये इधर उधर हो सकती है अगर पहले पेंसिल से मार्क करेंगे तो इधर उधर नहीं होगा अब देखिए ये जब मैं मुझे लग रहा है जब मैं स्पेशली ये लाइट ग्रीन कलर जब यूज़ कर रही हूँ तो अब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है अब थोड़ी सी डार्क कलर टाकवाइज ब्लू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ वेरी वेरी गुड डे और मैं वीडियो के एंड पे ज़रूर दिखाऊंगी कि ये टॉप पहनने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ और इस तरीके की वीडियो अगर आपको देखना है ड्रेस के ऊपर पेंटिंग या फिर अब बहुत सारे जैसे मैंने क्या क्या बनाई थी हाँ <laughs> फ्लावर पॉट के ऊपर पेंटिंग भी मैंने किया है इस तरीके की बहुत सारी पेंटिंग आपको मिल जाएगी दुपट्टा पेंटिंग वॉल पेंटिंग और बेडशीट पेंटिंग कुर्ती पेंटिंग सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी आप चाहे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एकदम फ्री है <laughs> तो वो कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आपकी एक लाइक से काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है अच्छा लगता है ऑनेस्टली और आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना थोड़ी सी ब्राइट और करने के लिए मैं यहाँ लेमन योला यूज़ कर रही हूँ तो ये देख सकते हैं ये है आफ्टर कंप्लीट है ना बहुत खूबसूरत इसको जरूर ट्राई करना टेक केयर सी यू सून बाय